मेरा बच्चा, क्या हुआ? डोंट माइंड अंकल जी, बट आपके हाथों में तो जादू है। मैं इसे कब से चुप करवा रही थी और अब देखो इसे। अरे इसे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा थक गई, अभी शांत हो जाएगी। इसे देखकर तो हमें रचना का बचपन याद आ गया, वो भी इसी तरह इनकी गोदी में आकर रोना बंद कर देती थी। अच्छा खुशबू, तुम्हारा जब तक मन करे ना यहाँ रहना, तुम भी खुश और आयुषी भी खुश। पक्के। आयो बेबी एक सेकंड रुको, मैं एक फोन कॉल अटेंड कर लूं, आप जब तक ये लो कुंजन। आप मैं माय मयंक, एक मिनट एक मिनट। बच्चे को ऐसे पकड़ दे क्या? बच्चा ये कोई ट्रॉफी या फुटबॉल नहीं है, ला लो लो ऐसे पकड़। वैसे भी ना इसे संभालते संभालते मेरा 10 किलो वजन ऐसे ही कम हो गया। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। माँ जो भी करना है जल्दी कीजिए, आज ऑफिस का पहला दिन है, मुझे टाइम से पहले पहुँचना है। हाँ हाँ कर रहे आकर। इतना सा शुभ होगा। अरे गुंजन का रह गई, अब तो सो जाओ मेरी माँ, रात भर हमें सोने नहीं दिया। मैं एक मिनट में आई। माँ आपकी बहू आराम फरमा रही, रात भर खुशबू और गुंजन जागरण कर रही थी, आयु के साथ खेल रही थी, 3-4 बजे से पहले नहीं सोई, अभी आराम से घोड़े बेच के सो रही है। पापा मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप प्लीज गुंजन से कह देंगे। हाँ हाँ पर तुम आराम से जाना। ठीक है बाय माँ। खुश रहो बेटा। अरे बस बाय। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये लो, मयंक गया नहीं और गुंजन उड़ गई। क्यों गुंजन, एक ही रात में बच्चे ने होश नींद चैन सब उड़ा दिया ना? अरे अरे आप तो रहने ही दीजिए, जब मयंक छोटा था ना हम रात भर जागते थे और आप घोड़े बेचकर सो रहे होते थे। याद है भाई, मयंक अभी गली में ही होगा, कम से कम बाय तो कह दूं, पहला दिन और मैं हूं कि मयंक। कुंजन ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे वाह, घर का पूरा महिला मंडल रेडी है शॉपिंग के लिए। मैं भी, प्लीज डोंट माइंड यार, एक्चुअली मैं रेडी नहीं हूँ, मुझे आज का पॉसिबल नहीं लग रहा है। आयु रात भर से रो रही और सो भी नहीं रही है, तुझे तो पता है ना। ओहो तो क्या हुआ, कौन सा हम लोग सब सोए हैं थैंक्स टू इसका ऑल इंडिया रेडियो। चलो ना। नहीं यार आज रहने देते हैं, मौसम भी कुछ अजीब सा है और इसे सर्दी भी हो गई है। अरे बेटा तुम फिक्र क्यों कर रही हो, उसका समाधान भी है हमारे पास, हम आयुषी को गुंजन के पास छोड़ देते हैं, ये रख लेगी और चलो हमारे साथ। ये गुंजन बेटा। That's a good idea, आंटी। प्लीज तू इसे संभाल लेना, ये मेरे साथ नहीं होगी ना तो मैं आराम से शॉपिंग कर लूंगी और जल्दी भी आ जाऊंगी, प्लीज। एक मिनट हेलो, अब मेरे साथ कैसे, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। अब इसमें मालूम करने वाली क्या बात है, लेना। ओह बापरे, अब तो ठीक से पकड़ा है ना, एकदम करेक्ट पकड़ा है मेरी होनहार स्टूडेंट। चले हाँ चलो।
गुंजन, क्या हुआ गुंजन? सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा नौजिया फील हो रहा था। नौजिया? नौजिया, उल्टी? ओह माय गॉश गुंजन, मतलब कि तू? तूने मुझे भी नहीं, अब बोल। क्या क्या बोलूं? तुझे पता है ना उल्टियों का मतलब क्या होता है? मेरे लिए तो यही सिग्नल था कि मैं। खुशबू ये क्या एक्शंस कर रही हो, और क्या सिग्नल था? ओहो मेरी ट्यूबलाइट दोस्त, तू कभी नहीं समझेगी क्या, सब कुछ बोलना पड़ेगा मुझे। इसका मतलब ये साइन था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? एक चीज याद रखना, अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव हुआ तो आते समय ना केसर की बर्फी जरूर लेकर आना। ओके? नहीं ये सच नहीं हो सकता। ये सच है, कठोर पर मीठा सच है। सच में सीमा, एक बच्चे के आने से सबका होलिया ही बदल गया है घर में। मानो स्फूर्ति की लहर दौड़ रही है। भला उस खुशबू का तो इसे यहाँ लेकर आई। देखा दीदी आपने, पराए बच्चे को देखकर हम लोग इतने खुश हैं। जब हमारे घर में बच्चा आएगा, हाय हम तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। सच में? वाह गुंजन, देख हम लोग पक्के वाले दोस्त हैं, और अब हमारे बच्चे भी दोस्त। अमेजिंग। देखो खुशबू, ऐसे कहानियां मत बनाओ, उल्टी के कई सारे वजह हो सकते हैं। ओ हेलो डोंट माइंड, लेकिन एक बच्चे को संभालते संभालते ना अब मैं आधी डॉक्टर हो गई हूँ, तो तू मुझे मत सिखा। ओके डॉक्टर खुशबू, लेकिन नौजिया के कई रीजंस हो सकते हैं ना। मैं डॉक्टर खुशबू श्योर हूँ कि तू प्रेग्नेंट है। अच्छा तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? अच्छा तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? डोंट माइंड, पर क्या तुम्हारे और मयंक के बीच में कोई प्रॉब्लम है? वैसे सीमा बात तो तुमने पति की कही, मैं की नौकरी भी लग गई है, दोनों की शादी को बहुत समय हो गया है, और रचना की शादी के बाद ये आंगन बहुत सोना हो जाएगा। हाँ दीदी सो तो है, लेकिन अगर हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गुंजे तो? पता है ये सब सोच के हमें क्या याद आ रहा है, तुम्हारा समय जब मयंक होने वाला था, इस घर में कितनी धूमधाम मची हुई थी। याद है? हाँ दीदी सब कुछ याद है। सच में पता है बच्चे के ख्याल से ना हमारे मन में लड्डू फूट रहे हैं। वाकई माँ बनना एक स्त्री के लिए गर्व और खुशी की बात होती है। सच कहा तुमने। तो पहले तेरा डाइट प्लान, डोंट माइंड लेकिन ध्यान से सुना, क्योंकि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है तो वी विल स्टार्ट विद जो चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ओके देख, नो पपाया, नो पाइनएप्पल, खीरा मत खाना, और हाँ बैंगन तो बिल्कुल मत खाना, डरावनी चीजें बिल्कुल मत देखना, भूत की फिल्में या स्टोरीज वगैरह बिल्कुल मत पढ़ना। यस डॉक्टर खुशबू, अब अगर तुम्हारा मेरे इमेजिनरी बेबी पर प्रवचन खत्म हो गया है तो जाके तुम्हारे रियल बेबी को देखे। पागल कही थी, चल आयु, ओ मेरी आयु फायु। आप गुंजन, तुम कोई प्रेग्नेंट रेग्नेंट नहीं हो, मिरर में देखना बंद करो। रचना कहाँ है? वो क्या है ना, मौसी जी के साथ बाहर कपड़ों की खरीदारी के लिए गई हुई है, और फिर नन्ने भी नहीं है यहाँ, तो मौसी जी है ना बिल्कुल अकेली पड़ गई है तैयारियों में। अकेले क्यों? अरे बेटा वो नन्ने को बहुत जरूरी काम था इसलिए वो पेरिस गया, सगाई तक आ जाएगा। अरे वाह, अचानक से चले गए और आप में से किसी ने कुछ कहा भी नहीं? और पापा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? कमाल है,
आप लोगों को इस रिश्ते में कोई खोट नजर नहीं आ रही है क्या? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे, इसलिए। आप सब लोग ना एकदम अजीब हो। वैसे ये कौन है? ये आयुषी, वो क्या है ना, गुंजन की सहेली आई हुई है खुशबू, उसी की बच्ची है। आयुषी कितनी प्यारी बच्ची है। गुंजन और पीहू का तो पता नहीं कब करेंगे, लेकिन हमारी सीमा तो पगलाए जा रही है। अरे क्यों ना पगलाए हम, क्योंकि हमें भाई नानी और दादी बनने की बहुत जल्दी है। हाँ ये देखिए, बहुत प्यारा है। ये देखिए दीदी, ये तो और भी खूबसूरत है, खास दादी ने हमें दिया है। अरे वाह रचना, तुम तो बड़ी किस्मत वाली हो। ये कितना सुंदर है और कितना भारी भी है ये। अच्छा दीदी, आप ये सब कुछ देखिए, हम मेल चेक करते हैं और केती को यहाँ की सारी खबर देते हैं। हाँ जाओ ना। अच्छा रचना, हाँ हम ना मम्मी को किचन में देख कर आते हैं। केती का मेल। अच्छा अब चलते हैं, हमारे घर में भी शादी है। हाँ अच्छा, तो हमारे घर में भी है। अच्छा मौसी जी, आज शाम को हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, मेहंदी और नाश्ता का, आपको आना है? हाँ अरे प्लीज, जरूर आएंगे, सच संवर के आएंगे, ठीक है? और नहीं तो क्या। शैल एक बात कहनी है। कहिए ना। रचना और नन्हे की जोड़ी का मुकाबला कोई गहना या साड़ी नहीं कर सकती। दोनों को बांधे रखेगा प्यार, और वही प्यार हमारे और तुम्हारे परिवार को भी बांध के रखेगा। हाँ ना मौसी जी, ये तो हम जानते हैं, पर क्या करें, लड़की वाले हैं ना, जो हमसे बनेगा हम जरूर करेंगे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसीलिए। अरे कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, वो जो साड़ी तुमने हमारे लिए खरीदी है ना, खबरदार उससे अगर किसी और को दिया तो हम रचना की साड़ी चुरा लेंगे। अरे नहीं नहीं। ये भी कहा, अरे कोई बताएगा कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे? हमने सबके लिए कितना किया है, पर हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। क्या हुआ मासी? अरे बिट्टू, अरे सारा सामान कहाँ गया, बेच दिया क्या? क्या? हाँ हा? अरे बाबा रे, इतने सारे पैसे लाया। सच ही कहते हैं लोग, जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। हाँ अरे बिट्टू, ये लॉटरी आखिर लगे कैसे? हाँ बिट्टू, मासी को नहीं बताएगा? पता है मासी, बिट्टू को ना कल उसकी लकी वाली फ्रेंड मिली, वो बिट्टू के लिए लकी और बिट्टू उसके लिए लकी, बिट्टू ने उसका कड़ा भी ढूंढ के दिया और उसके बदले में उसने फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। उसके बाद ना बहुत सारे लोग आए, सब बिक गया। लेकिन ये कौन सा दोस्त आ गया अचानक? मौसी वो दोस्त नहीं, परी है, परी सुंदर, स्माइलिंग और साफ भी। मासी जब वो उदास थी ना तो उसकी आंखों से ना बड़े बड़े मोती जैसे आंसू निकलते थे। अच्छा हुआ
कि बिट्टू ने ना उसका कड़ा उसे ढूंढ के वापस दे दी। हेलो उसकी दादी उसे बहुत डांटती। क्या कड़ा वापस कर दिया? काहे पूरा यहाँ नहीं ला सकता था क्या? नहीं बिट्टू चोर नहीं है, वो कड़ा बिट्टू का नहीं था। परी यही तो है। क्या बिट्टू इस लड़की से मिला था? बिट्टू शैल की बेटी से मिला था? कोई बात नहीं, आइंदा से ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करना बेटा। जी ठीक है। कुछ खाओगे? कुछ आयु एक बार सोने दो, फिर मैं बाद में खाता हूँ। ध्यान रखना। तुमसे एक जरूरी बात करनी है जो बहुत दिनों से मुझे परेशान कर रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ। हाँ बोलो। मैं वो आज सुबह ना वो कुछ एक सेकंड मेरे बॉस का फोन है। गुंजन बेटा। बेटा मयंक किधर रह गया? अब वो कपड़े बदल कर आ रहा है। अच्छा भाई, बड़ी खुशी की बात है कि तुम लोगों का जो मेहंदी का फंक्शन था ये एकदम ठीक तरीके से निपट गया। एक चीज मिसिंग थी। क्या? अरे आपका वो मेरी जोहरा जो भी वो वाला गाना। अरे भाले आयु क्या हुआ इसे? हाँ मैं फोन पे बात कर रहा था और इसने दो तीन बादाम खा लिए, शायद इसे गले में अटक गए। अरे इसको बादाम कहाँ से मिल गए? वो मैंने वहां गलती से रख दिए थे शायद। अरे भाई ये सब बातें बाद में करना। गोपाल तुम जल्दी से जाकर बच्चों के डॉक्टर को बुला कर लाओ। जी भाई साहब। लाओ यहाँ लाओ। ना बच्चे चलते चलो आज। ना बेटा ना। मैं कितनी लापरवाह हूँ, मैं कैसे एक माँ होने की बड़ी जिम्मेदारी उठाऊंगी? कैसे? ना, 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 ना बेटा ना। गुंजन बेटा बच्चे के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं रखनी चाहिए जिसे वो खा ले।
बच्चा बिल्कुल ठीक है, सांस की नली एकदम क्लियर है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा हुआ कि समय पर आप लोगों ने देख लिया, नहीं तो ऐसी स्थिति में बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। सच में दीदी, आज तक हमारे घर पे किसी भी बच्चे को एक मामूली सी खरोच तक नहीं आई, और आज अगर भगवान, बच्चे को इस तरीके से कभी अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए, किसी ना किसी को उसके पास रहना ही चाहिए। अभी तक सोई नहीं बेटा? वो मम्मी बस हम सोने ही जा रहे थे। अच्छा, कंप्यूटर ऑन करके? अच्छा ये बताओ, नन्हे से बात हुई? कोई फोन वोन आया उसका? नहीं मम्मी, बस एक मेल आया था। अच्छा, कोई बात नहीं, लगता है अपने काम में बहुत बिजी हो गया होगा। तुम चिंता मत करो, वो समय पर आ जाएगा, देर नहीं करेगा। आओ सो जाओ। अब लगता है किसी को बहुत अच्छी नींद आने वाली है। क्या बात है मम्मी जी? बेटा सुबह से इतनी बार चाय बना चुके हैं कि चीनी खत्म हो गई है। अब एक काम कर दोगी हमारा? वो ऊपर से ना बड़े वाले डब्बे में से चीनी निकाल दोगी? जी गुंजन, मेरी वो फाइल नहीं दिख रही। अरे गुंजन, तुम ऊपर क्या कर रही हो? उतरो, फौरन नीचे उतरो। क्या बात है मयंक, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? छोटी छोटी गुंजन, हाइपर होने वाली बात है? माँ कुछ चाहिए था मुझे, बोल देते ना, मैं ऊपर जाके उतार देता। मयंक क्या हो गया? अरे बेटा गुंजन हमें सामने दिखी तो हमने उसे कह दिया, अब इसमें क्या गलत कर दिया? ये लीजिए मम्मी जी। मम्मी जी मैं बना देती हूँ ना, आप जाकर बैठिए, वैसे भी मुझे मयंक के लिए नाश्ता बनाना है, आप बैठिए ना। ये तो ना बता नहीं रहे, दाल में कुछ काला जरूर है। हाँ क्या कर रहे हो तुम? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था अपना ध्यान रखोगी, ये सब क्या है? अच्छा बाबा ठीक है, अब तुम बाहर जाओ, जाओ जल्दी आना, जाओ। क्या मम्मी आप यहाँ हो और हम आपको कब से पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, अब ये क्या कर रहे हो? हिसाब कर रही हूँ। क्या बात है? वो दर्जी आया था ना, मेरा ब्लाउज सिल के आ गया। हाँ ले आया। अच्छे से नहीं सिला क्या? नहीं ठीक है, लेकिन मम्मी ये जो साड़ी हमने पहनी है ना, ये साड़ी उससे भी अच्छी है।
आप संगीता चाची की साड़ी देखिएगा, उनकी हर एक साड़ी में कितना सारा जरी का काम किया हुआ है। आपने हमें केती के घर वालों से मिलवाइएगा ही नहीं, ना हमें शर्म महसूस होगी और ना ही उन्हें। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कितनी सुंदर साड़ी थी वो रंग तुम पे कितना अच्छा जच रहा है। नहीं मम्मी, आपको क्या पता आजकल के फैशन के बारे में, वो स्टाइल बहुत पुराना है। पर कोई बात नहीं, चलेगा। एक मिनट, यहां ये लो और जाओ बाजार से जाकर कुछ और खरीद लो, अच्छा सा। हाँ लेकिन रेडीमेड ही लेना, वरना दर्जी इतनी जल्दी बना नहीं पाएगा। अरे मम्मी आप दीजिए ना हमें, आप उसकी चिंता मत करिए, हमने दर्जी से बात कर ली है। अच्छा, पैसा मिलने से पहले ही बात कर ली, बहुत होशियार हो गई हो। अब जाओ जल्दी जाओ, जाकर खरीद लो। आप इतनी प्यारी हो मम्मी। अच्छा अच्छा जाओ जल्दी, ये लड़की भी ना कभी नहीं सुधरेगी। बिट्टू तुम यहाँ? ये क्या है और किस लिए? आपने बिट्टू को फ्रेंडशिप वाला बैंड बांधा था ना, इसलिए बिट्टू आपके लिए फ्लावर्स लाया। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। आप ही की तरह, आप जैसा सुंदर और आप जैसा स्वीट, और बिट्टू को ना स्वीट चीजें बहुत पसंद है। अच्छा, तब तो बिट्टू को आइसक्रीम भी अच्छी लगती होगी, नहीं? हाँ, बिट्टू को ना आइसक्रीम बहुत पसंद है। पर आपको किसने बताया? हमें सब कुछ पता, आओ चलो खाकर आते हैं। अब भैया तो टूटी फूटी देना। सच बताइए ना कि आपको बिट्टू के पसंद के बारे में किसने बताया? हमें कौन बताएगा? स्मार्ट वाले भैया ने, है ना? स्मार्ट वाले भैया, वो कौन है? अरे वो जो वो इतने लंबे जो है ना, वो लंबे वाले भैया। कौन हो सकते हैं, लंबे भी हैं और स्मार्ट भी? कहीं ये केती के बारे में तो बात नहीं कर रहे? थैंक यू भैया। उन्होंने ही बताया ना? हाँ हाँ, उन्होंने ही बताया था, वो लंबे भी हैं और स्मार्ट भी, इसलिए उन सबके बारे में सब कुछ पता है। बिट्टू उनके बारे में ना बहुत कुछ जानता है। अच्छा, वो कहाँ गए हैं? अब तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ नहीं है? मुझे मासी ने बताया। अच्छा, अब वो बाहर गए हैं, आ जाएंगे। क्यों, तुम्हें उनसे मिलना है? हाँ हाँ, बिट्टू को अपने भैया से मिलना है। अच्छा ठीक है, कल शाम को आना, हम तुम्हें उनसे मिलवा देंगे। हाँ हाँ, बिट्टू पहुंच जाएगा। सिर्फ बिट्टू का है, बिट्टू की मासी भी आएगी उसके संग तुम्हारे खास दिन पर, बंसी वाले की कृपा से। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।